चुनाव तो सब आप लोगों के सामने ही है। 3 तारीख को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी विधिवत, लेकिन ये सोचते हैं कि शायद जिला पंचायत के चुनाव में सदस्य के फिर वे जीत जाएं, तो इसलिए उन्होंने नियमों को ताक पर धरकर और अध्यक्ष का चुनाव कराया है। नहीं तो विधिवत ये था कि सदस्य चुनाव में पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष का होना चाहिए, और मैं समझता हूँ इस चुनाव के रिजल्ट से जो जिला पंचायत के चुनाव में उन्होंने जबरदस्ती सत्ता के बल पर धन का और सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे रहने का काम किया है, मैं समझता हूँ इस चुनाव से उन्हें एहसास होना चाहिए कि जनता आपके खिलाफ है, आपके कार्यक्रमों के आपकी नीतियों के खिलाफ। कितने वोटों से जीत हुई? लगभग 700 से जीत हुई। कैसा माहौल लग रहा है, कैसा महसूस दे रहा है? ये तो जीतने के बाद तो अच्छे लगे, अच्छा ही माहौल है। सब साथियों का सहयोग रहा, सब क्षेत्र के सभी जाति धर्म के लोगों का सहयोग रहा, इसीलिए जीत हासिल हो पाई। सत्ता के खिलाफ की लड़ाई थी, जितने से वही हम से वोट अच्छा मान लें। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से जिन्होंने आपको वोट किया, उसका साथ दिया, क्या आप धन्यवाद किस प्रकार? मैं तो समझता हूँ क्षेत्र की जो कोटवार रामपुर जिला पंचायत क्षेत्र के जितने भी गांव हैं और किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, सबका बहुत तहे दिल से सम्मान और धन्यवाद करता हूँ। सबने सरकार के खिलाफ मतदान किया है और सोनी का उजिता ने काम किया। 700 से कुछ कम जीत हुई है हमारी, लेकिन हमने जिस तरीके से हमें सर्व समाज का सहयोग मिल रहा था, हर बिरादरी, हर धर्म, हर समाज का हमें वोट मिला है, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वोट दिया हमें। लेकिन जितनी वोट से हम जीतना चाह रहे थे उतनी वोट से नहीं जीत पाए। हम इस बात पर विचार करेंगे, आपस में अपनी बात चर्चा करेंगे बैठ के कि भाई ऐसी क्या बात रही है, हम क्यों इतने, जबकि मेरा मानना तो ये था कि हम 2000 वोटों से जीतेंगे। मेरा आंकड़ा हमेशा सही निकलता है, लेकिन इस बार एक तो सर्दी होने के कारण से, क्योंकि वोट पूरी तरीके से नहीं गिर पाई, वोट परसेंट कम रहा, इस वजह से भी हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरा मानना था कि हम 2000 वोटों से जीतेंगे। जितनी वोटों से हम जीतते हैं इतनी वोटों से नहीं जीतना चाहिए था, ज़्यादा वोटों से जीतना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी यहाँ कोटवाल आलमपुर के जितने भी गांव और जितने भी समाज, जितने धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोगों ने हमारी मदद की है, और हम अच्छी वोटों से जीतते हैं, क्योंकि जिला पंचायत में ज़्यादातर आमने सामने का चुनाव होता है। कई बार ऐसा होता है कि 5-7-10 प्रत्याशी होते हैं, यहाँ सिर्फ 2 ही प्रत्याशी थे, चौधरी राजेंद्र सिंह जी की पुत्री और जो बीजेपी का प्रत्याशी था वो था, इसलिए जो है आमने सामने का चुनाव था, ध्रुवीकरण भी हुआ।